जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हमारे वहाँ क्या, लगभग सभी जगह रामलीला का शुभारंभ किया जाता है और हमारे वहाँ भी हो रहा है आज से रामलीला का शुभारंभ। और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ रामलीला में जाने के लिए। तो आप लोग एक्साइटेड हैं रामलीला वाले ब्लॉग देखने के लिए? आज हम लोग जाने वाले हैं अकेले, क्योंकि लोकेश दा पहले चले गए हैं और भाविश पापा भी। भाभी आ जाओ। तो आज हम जाने वाले हैं नानू, कुहू, मैं और भाभी स्कूटी से। कुहू जाने वाली है आज साइलेंसर में बैठ के। है कुहू, कहाँ बैठेगी? साइलेंसर में। सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले दर्शक पदाधिकारी आ जाए।
प्रसन्न होकर पूज रहा है। आज से अभिनय को करने की बार बार चेष्टा पैदा हो रही है। राम प्यारे, आज का नाटक संसार को परम लाभदायक होगा। इस लोक में सुशिक्षा कर पित्र मात्र भक्ति मात्र प्रेम और पुरुष मैत्री पति व्रत आदि की शिक्षा देता हुआ परम सुखदायक परलोक में मोक्षदायक भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का नाटक सुसाई तुलसीदास जी की रामायण के अनुसार करने की इच्छा है। ये तो धन्य है दशरथ नंदन रघुराज। श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा ही पवित्र और मनोहर है। यह संदेह ही इस अभिनय को आरंभ की। अच्छा प्रण प्यारी आरंभ करता हूँ, परंतु कौन सी ऋतु का आश्रय लेता है? प्रण प्यारी कौन सी ऋतु का आश्रय लेकर गाऊं? स्वामी आकाश घनघोर और उज्ज्वल हो गया है। चंद्रमंडल का प्रकाश देख कर काव्यों के तारामंडल स्वच्छ दिखता है। प्यारे शरद ऋतु का ही आश्रय क्यों नहीं प्राण प्यारी, क्यों नहीं मुझे श्री रामचंद्र जी का यह वाक्य याद आ गया है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई सुदिन दात सी दाती पाई। शीघ्रता कीजिए विलंब हो रहा। क्यों नहीं ब्रह्मचारी शीघ्र करते हैं। Yeah.
हे पृथ्वीनाथ, आज
शास्त्र में कहा है अपुत्रस्य ग्रहण पुण्यम। अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, संतान नहीं हुई। इस राज्य का भाग किसके ऊपर छोड़ू, यही चिंता मन को सता रही है। मंत्री महाराज दीर्घायु हो, आप जैसे धैर्यशाली प्रतापी राजा को इस प्रकार शोकाकुल होना शोभा नहीं देता। आपके कुल पूज्य त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाकर एक यज्ञ कीजिए, जिस प्रकार महाराजा के रक्त पर पितामह महाराजा दिलीप ने श्री गुरु महाराज की कृपा से अपनी अभिलाषा पूर्ण की थी, उसी प्रकार महाराज श्रीमान की आकांक्षा पूरी करेंगे। धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, यथा योग्य तुम्हारी सहमति। हे मंत्री जी महाराज, शीघ्र ही महाराज को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। संतरी महाराज को बुलाकर लाइए, इधर से जाइए, शॉर्ट पड़ेगा। हे गुरुवर, आपकी कृपा से दास के घर धेनु धन धरणी सब कुछ है महाराज, परंतु हे प्रभु इस राजा को मेरे पश्चात चलाने वाला कोई नहीं है। प्रभु कोई नहीं है, कोई संतान उपाय बताइए महाराज। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इस कुल की नाव डूबती है प्रभु, आप ही बचाइए प्रभु, आप ही बचाइए। हे राजा कुछ चिंता न करो, यात्रा पूर्ण होगी। सिंह ऋषि को बुलाकर दो आज्ञा महाराज। महाराज पधारिए, यहां पधारिए, महाराज के पांव दबाइए। हे मंत्री जी महाराज,
तुम शीघ्र जाकर महाराज को हमारा निमंत्रण दे आओ और यज्ञ की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। चलिए आप ही चलिए, महाराज को लाना है। जी महाराज। और क्या क्या लाए? और ठीक है, धूप
सरनाम होम सुनाम अग्नि को तरु लेकर प्रकट होना कोई सलह लाए हैं ना। अग्नि में घुमाइए हे राजा, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया है और जो फल आपने घुमाया आप इस तरु को तीनों रानी महाराज पार्टी से कहते सबसे धनी कर दीजिए। चलो बाबा जी तुम लोग क्या आपको जो संग महाराज की जय हो। विश्वामित्र मुनि जी द्वार पर आए हैं, कुछ अपना आवश्यक प्रयोजन लाए हैं महाराज। हमारे मंत्री जी महाराज
महाराज को आदर पूर्वक सभा में लाओ। जो आज्ञा महाराज। संतरी महाराज को आदर पूर्वक लेके आइए। आइए महाराज, पहले हम यहीं पे छू लेते हैं चरण, वहां टाइम नहीं हो पाएगा। जय हो, जोर से तो ले लो आशीर्वाद महाराज। कल्याण हो, और जोर से कल्याण हो। जय हो, जय हो महाराज तुम्हारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भोत्थजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आनंद रहो श्रीदेव। May I?
महाराज मेरे ऊपर हम अपने आपके पुत्रों को मांग रहे हैं।
रामचंद्र को बालक समझकर अवश्य ही ब्राह्मणों की सेवा हेतु और वित्त का आशीर्वाद यद्यपि राम लक्ष्मण मोहे प्राणों से भी अधिक प्रिय है तथापि आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने दोनों पुत्रों को आपकी सेवा हेतु भेजता हूँ। आप इन दोनों की रक्षा करना वाले हैं। इसमें सेंटर डाल देना। हे पुत्रों, तुम महाराज विश्वामित्र के पास जाकर इनकी यज्ञ की रक्षा करना और पिता के तुल्य महर्षि की सेवा करना। जैसा कि हमारा क्षत्रिय धर्म है हमको तो ऐसा वन देखने का आज ही प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ है। धन्य है ब्रह्मा की सृष्टि को ऊंचे ऊंचे वृक्ष दूर तक कतार बांधे बैठे हैं। आह यह कोमल घास क्या ही शोभा दे रही है। चलो राजन आगे भी Let's go!
Thank you.
करने की जगाने की नहीं है संजीत कह सकते। जलाने की गलाने की नहीं है पार मैं सकते। हमें इस पृथ्वी पर लगाने की नहीं है नाम मैं सकते। Thank you.
रामचंद्र धन्य हो, दशरथ नंदन धन्य हो। सभी ने निवेदन है कि अश्विन शुक्ला द्वितीया को मेघ लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती जानकी के विवाहार्थ स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ महोत्सव होना सुनिश्चित हुआ है। कृपया आप भी इस उत्सव में पधार कर मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। अनेक राजाओं महाराजाओं एवं ऋषि मुनियों महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है। शिष्य मंडली सहित पधार कर मेरे नगर को अपने चरण कमल से पवित्र कीजिए। आशा है कि अवश्य ही श्रीमान दर्शन देंगे। इति शुभम। Oh,
सज्जन हो, आज की लीला का यही पे बन गया जाता है।